हेलो गाइस, तो मैं आज आप सबके लिए एक बहुत ही मस्त ऐप लेकर आया हूं जिसका नाम है रमेश सर्कल। ये एक स्किल हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग एप्लीकेशन है जिस पे आप रमी खेल के बहुत सारे पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर ऐप है जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेलकर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी नहीं आता तो इसमें प्रैक्टिस गेम खेल के आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट के सबसे सेफ फैसिलिटी तरीके आपके लिए अवेलेबल है, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा डिपॉजिट कर सकते हैं और आपके पहले डिपॉजिट पे 2000 तक का वेलकम बोनस पा सकते हैं। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान और ये फोन में काफी स्मूथली भी चलता है। सो गाइस, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें और रजिस्टर करके डिपॉजिट करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाए। आप भी रमी सर्कल खेलो और कैश जीतो। इस खेल में जोखिम अच्छा मिला है और आपको नशीला भी लग सकती है, कृपया खेल को अपने जोखिम पे और जिम्मेवारी पे खेलें। दो नंबर हाथ से मत पकड़ी, क्या तो हो जाएगा। और ये गेम जो है बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। और अभी बात करें तो अभी तुम्हारा भाई मिलिट्री बेस में लैंड करता है, मेरे को उतरते ही भैया VSS मिलती है। सामने एक बंदा दिखता है, मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन VSS से कद्दू भी नहीं मरता, जैसे अभी नहीं मरा है। तो फटाफट गन ढूंढते हैं और फिर लोंडो को पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे बंदे आते ही जा रहे हैं। अब काफी ज्यादा भटकने के बाद मेरे को ठीक ठाक गन मिल जाती है। सामने की तरफ से मेरे को फुटस्टेप आ रहा था, मेरे को लग रहा था कि बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है, लेकिन बंदा तो भाग रहा है, तो पकड़ते हैं। अरे ऊपर तो चलो, ये वाले को तो डाल दिया है। राइट में कुछ बंदे हैं तो फटाफट इनके ऊपर भी रश करते हैं। तो चलो इस बंदे की भी, अरे मम्मी आपने बच्चे कभी नहीं खेल, पेटी बना डाली है और ऊपर की तरफ भी एक बंदा है। मैं क्या डायलॉग मार रहे थोड़ा, जो कि भैया भाग रहा है रिकॉल देने के लिए। और अभी जो एक रैंडम बंदे ने एक चीज बोली है वो मैं अभी आपको सुनाऊंगा, सबसे पहले इसको मार देता हूँ। रैंडम बंदा जो है थर्ड नंबर, उसको शायद से किसी ने कुछ बोला होगा, तो वो बंदा कहता है कि माँ अपने बच्चों से कभी नहीं जलती। तो भाई सही बात है, ये पता नहीं कौन बोल रहा है, भाई कौन बोल रहा है थर्ड नंबर ऐसा देर से कि माँ जलती है बच्चों से। पकड़ के ला साले को, पेलेंगे यहीं। अब तुम ये देखो, मेरा टीममेट बोलता है कि वहां पे बंदे हैं लेकिन सामने की तरफ खुद कोई बंदा नहीं दिख रहा उसे। वो देखो सामने दिखा बंदा, भाई क्या ही खतरनाक तरीके से लेटा था भाई इस कैंपर के लिए। क्या बोलना चाहोगे फटाफट कमेंट कर दो, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। अब यार हम तो पीछे की तरफ बंदों के ऊपर रश करने के लिए जा रहे थे, लेकिन इतने में ही थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर भैया जी की पेटी बन जाती है, तो हमें यहाँ पे वापस लौट के आना पड़ता है। तो देखते जरा किसने पेटी बनाई है इनकी। एक बंदा तो दिखा है लेकिन भाई ये बंदा बहुत ज्यादा भगाने वाला है, तो पकड़ते फटाफट इसको। अरे भैया जी, इनने तो पूरा का पूरा जमाना ही घुमा दिया हमें मिलिट्री बेस का। अब यहाँ पे इस बंदे की तो पेटी बना डाली है, लेकिन इसके ही बंदे शायद से पहाड़ के ऊपर आए हैं जो कि अब हमारे ऊपर रश कर रहे हैं। तो देखते जरा उन्हें भी। और अब माइक खोलेगा फोर्थ नंबर क्योंकि पेटी बन चुकी है ना, शुरू में तो खोलते नहीं है। अरे ऊपर भी है पहाड़, पहाड़ी पे भी बंदा। पहले तो तुम जो गुटखा खा रहे हो उसको थूक के बात करो भैया, कद्दू भी समझ में नहीं आ रहा कुछ, क्या बोल रहे हो तुम। पहाड़ी पर भी गाइस, इस छत के ऊपर 3 के 3 बंदे हैं और ये मैंने बोला ही था भैया, जिस बंदे की अभी अपन ने पेटी बनाई है उसी के टीममेट हैं, तो पूरा बदला लेने के मूड में आए हैं। तो देखते जरा इन्हें। साले मेरा किल चुराएगा, डीपी फेंक के मार दूंगा ऐसे ही।
ऊपर है, पकड़ो। अब देखो भैया दो लोंडो की पेटी बना दी है और अब बच चुका है लास्ट बंदा, और उस लास्ट बंदे का मेरे को फुटस्टेप वगैरह नहीं आ रहा था, मैं जा रहा था आगे की तरफ तभी तभी ये बंदा मेरे को सरप्राइज मदर छतर छतर फतर फतर छतर क्या पता नहीं क्या 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 बोल, अरे हटाओ कर देता है, जो भी कर देता है सरप्राइज फरप्राइज सब कर देता है। और तुम इसका देखो भाई, मतलब मेरा डीसिंग क्या चल रहा है, कब मैंने उसको बुलेट मारी कब जाके वो बंदे की पेटी बनी, हद दे भी जाए वालों यार, कुछ सुधारो गेम को। हमारा इंटरनेट देखो इतना अच्छा चल रहा है फिर भी। अरे भाई आ गए भाई। अब जरा तुम ये सुनो, मैं निकला मिलिट्री से ये वाली गड्डी लेके, तभी टेस्ला मिली तो मैंने इस गड्डी को छोड़ दिया और टेस्ला लेके मैं आगे जाने लगा। और ये बंदे मिल गए मेरे को तो देखते हैं जरा। हेलो हेलो, कहाँ कहाँ भैया कहाँ भाग रहे हो भैया, रुक तो जाओ जरा, एक बंदे को नॉक कर दिया, शील्ड विल्ड लग चुकी है, इसका मतलब रिवाइव चालू है। ले ओ भैया 2 रुपए वाली शील्ड तो ऐसी टूट गई भाई, शील्ड कभी टूटती है भाई, टाइम लगता है टूटने में यार, ये सड़ी सी शील्ड लगा दी, पहले वाली तो शील्ड टूटती नहीं थी, ये वाली तो खटाखट टूट जाती है, ऐसा लगता है 2 रुपए की खरीद के डाल दी हो बीजेमे वालों ने। अब यहाँ पे एक बंदे की तो पेटी बना डाली है, बाकी है इसकी पेटी बनाना, तो उससे बात करते हैं फिर, पेटी बना के निकलेंगे। अब भाई मैं इस बंदे से बात करता हूँ लेकिन ये बंदा तो कहते टोटका फोटका करने लगता है भैया, चिकन गुनिया ये क्या होता है, चिकन डिनर होता है कि चिकन गुनिया होता है, ये कौन सा टोटका कर रहा था भाई। नहीं वैसे कुछ हवा में बोल रहे। अब इन लोंडो की पेटी बनाने के बाद हम लोग आते हैं हमारे टीममेट्स को रिकॉल करने के लिए, लेकिन तभी भैया अभी अभी एक बंदा रिकॉल होके वो सामने वाले गैराज में आया है, तो देखते जरा। तो चलो इन हैवी ड्राइवर वाले भैया जी को तो नॉक कर देते हैं, भाई साहब कतई गाड़ी गुड़ी में बैठ के निकलने की कोशिश कर रहे थे, और अभी इनका एक बंदा और बाकी है जो कि रिकॉल होके आया था, मेरे को लग रहा है वो वाना उसके अंदर है, तो फटाफट उसके ऊपर रश करते हैं। अब अपन तो उनके ऊपर रश कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, जब आप लोग किसी भी बंदे को रिकॉल करते हो तो बोलती है आई एम रिकॉलिंग अ टीममेट, ठीक है, लेकिन उसके बाद रिकॉल होने के बाद वहाँ से क्या आवाज़ आती है, थैंक्स, ऐसा लगता है कि भाई जबरदस्ती बुलवा रहा उससे कोई थैंक यू। अरे तो मत करो, तुझे देखे अभी कौन भी अरे जब जब है, अरे भाई कदा है, अब ऐसे टीममेट्स को तो भैया बम से उड़ा देना चाहिए। बंदा सामने की तरफ नॉक पड़ा है लेकिन ये बंदा उसको बचाने के लिए कद्दू तक नहीं आया। भैया कम से कम तुम बचाने आ जाते ना और तुम मर भी जाते तब भी तुम्हारा टीममेट खुश हो जाता भाई, अभी तुम्हें इतनी भयंकर गाली पड़ रही होगी ना क्या बताऊँ, तुम उसके सामने हो फिर भी उसे बचाने नहीं आ रहे, मत करो यार ऐसा। अब नोवो से निकलने के बाद हम लोग जोन में जा रहे थे, तभी मेरे को सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है और गाड़ी में रहता एक बंदा जो कि हमें देख के कैंप करने लगता है, तो पकड़ते जरा इसको, कहाँ हो बेटा, इधर देखो, इधर देखो जरा, बस नहीं हो रहा क्या, इतना ही था। अब देखो इस बंदे को नॉक तो कर दिया और इसके टीममेट जो रहते हैं वो मेल्टा से आते हैं, पूरी पूरी स्क्वाड है, तो देखते जरा उन्हें भी। हेलो भाई साहब आपका टीममेट यहाँ पे नॉक पड़ा है, उसको बचाने तो आ जाओ, कम से कम फाइट नहीं ले रहे तो। अरे नहीं कर रहे सर जी कुछ भी, बचा लो अपने टीममेट को, आओ तो जरा, तुम पेटी तो ऐसी डालूंगा कि सोचा भी नहीं होगा कभी। क्या ड्राइवर तीन नंबर आ रहा है, अरे ये संभाल लेगा तुम, मेरे को दो तीन नंबर अच्छा हो क्या, ऐसे तो नहीं होता। अब इन बंदों के ऊपर मैं रश तो कर देता और मेरे को यहाँ पे मोली से किल मिल जाता, और तभी लेटा
भाई बंदे ऐसे लेटे हैं ना यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ। और ये वाला किल जो मेरे टीममेट ने चुराया है ना, इतना तेज दिमाग खराब हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बम से उड़ा दूं लुबड़े को। अब देखो भैया बहुत हो गया मजाक, लेकिन अब यहाँ से तुम गेम प्ले को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से आप लोग देखने वाले हो बिल्कुल इंटेंस फाइट। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं बंदों को चेक करने के लिए। हम लोग को लग रहा था कि पोचिंकी में कोई बंदा नहीं होगा, जो भी होंगे रिकॉल टावर पे होंगे, लेकिन पोचिंकी में बंदे रहते हैं, वो भी दो तीन टीम रहती है। देखो रुको रुको रुको, आया मैं, आया आया आया। नहीं नहीं, चार नंबर मत घुस, उसको रिवाइव दो बे। भाई यहाँ पे मैंने चार बंदे मार दिए, लेकिन अभी तक कोई भी टीम फिनिश नहीं हुई, और सामने की तरफ अभी एक बंदा और है जिसने कि मेरे टीममेट को नॉक कर दिया है। तो बारी है उसको उड़ाने की, और जैसे मैं उसको उड़ाऊंगा तो भैया मैं तो जोन में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को नहीं रुकना है। अरे मैं गया, मैं वापस नॉक, वापस नॉक, वापस नॉक, वापस नॉक। अब पोचिंकी से निकलने के बाद हम लोग जोन में आते हैं, तभी यहाँ पे एक स्क्वाड आती है, एक स्क्वाड की पेटी मेरा टीममेट बना देता है, तभी यहाँ पे एक बग्गी वाला बंदा आता है, तुम्हारा भाई उसको पेल देता है, और पीछे की तरफ अभी एक ड्रॉप था, तो मैं जाता हूँ ड्रॉप लूटेंगे, लेकिन भाई ड्रॉप पे तो बंदे रहते हैं। देखो अब देखो ड्रॉप पे रहते हैं दो बंदे, लेकिन एक ही बंदे की मैं पेटी बना पाता हूँ, दूसरे बंदे की पेटी सामने वाली स्क्वाड बना देती है, और अब वो बचे हैं चार बंदे और हम हैं दो, और भाई जो जोन बनता है वो उन्हीं के इधर बनता है, मतलब तुम देख रहे हो हम दो हैं और हम लोग को ही उनके ऊपर रश करना है भैया ओपन से, वो भी देखो बस। Marked a location. पूरे लेट हैं। हम बच सकते हैं। हाँ वह पूछा है वाला क्या? Thank you.
अबे नहीं। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतने तक गाइस, आई होप कि आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद है। गाइस वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना गाइस अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो प्लीज़ मेरे को फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर भी तुम्हारा भाई BGMI का कॉन्टेंट डाल रहा है, तो जाओ यार फॉलो करो फेसबुक पे भी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।